राजधानी रायपुर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन आज गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ हो गया। इस बार जिला प्रशासन के सख्त गाइडलाइन में विसर्जन किया गया है। लोगों में भी इसको लेकर के जन जागरूकता नजर आई है। बड़ी संख्या में आज छोटी बड़ी प्रतिमाओं को मिलाकर के लगभग 500 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन अब तक किया जा चुका है। लोग घरों में स्थापित अपने गणेश की प्रतिमा के 10 दिनों तक सेवा करने के बाद आज विसर्जन कुंड में विसर्जन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आज गणेश जी का विसर्जन किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर गणेश प्रतिमा लोग घरों से लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं विसर्जन स्थल पर, और रायपुर राजधानी में इस बार गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया गया है और आज गणेश जी का विसर्जन किया जा रहा है उन आशाओं के साथ कि पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त हो पूरा देश प्रदेश और लोगों के घर में सुख संपन्नता है। जिस तरीके से लोगों ने घरों में अपनों को खोया यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक विसर्जन कुंड है। इस विसर्जन कुंड में यहाँ गणेश प्रतिमा को विसर्जित करने की लोग यहाँ घरों से पहुंच रहे हैं। अपने परिवार समेत लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं कि कृष्ण राधा के रूप में गणेश जी यहाँ विराजमान थे और वह यहाँ से उन्हें अब आज आखिरी दिन इन आशाओं के साथ कि अगले बरस नई शुभकामनाओं के साथ फिर से हमारे घर में विराजो। और आज जो भी है जिस तरीके से यहाँ कोरोना का काल में लोगों ने अपनों को खोया है, ऐसा दोबारा कोई महामारी ना फैले। पूरा एक परिवार की सदस्य की तरह रहते हैं तो थोड़ा दुख होता है, और यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है और श्रीमती जी ने ज्यादा सेवा की हम परिवार में जी। जैसा कि आपने 10 दिनों तक बप्पा की सेवा की, क्या मांगा है इस बार, क्योंकि कोरोना काल के बाद एक पहला मौका है जब गणेशोत्सव अच्छे से मनाया गया। सभी परिवार के बच्चों को, हस्बैंड, पूरा सभी से, मतलब भगवान से विनती की कि सबका कोरोना से मुक्ति दे और सबको, मतलब सबके लिए ये आशीर्वाद बनाए रखे। जी देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर गणेश जी आज ये अंतिम दर्शन है भगवान गणेश के, और अब एक वर्ष बाद पुनः फिर लोग इसी आशा के साथ कि पुरचा वर्षी लोकरिया यानी अगले बरस गणपति जी हमारे घर में फिर से विराजो। तरीके से ये विसर्जन कर दी गई गणेश प्रतिमा और भगवान गणेश जी को इस तरीके से विदाई दे रहे हैं। बप्पा की विदाई कुछ अच्छे अंदाज में यहाँ पर रायपुरियंस दे रहे हैं, और बप्पा की विदाई को लेकर अब यहाँ पर सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करते नजर आए। जहां तक कि मास्क की बात है तो मास्क लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, वहीं पुलिस व्यवस्था भी यहाँ चारों तरफ लगाई गई है ताकि लोग गाइडलाइन का पालन करते नजर आए। कैमरामैन अभिषेक डटसेना के साथ अमित चौरसिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल।